गाइस वेलकम टू एस्पिरेट्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अलादीन क्यों आ सकता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अलादीन क्यों आ सकता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं सोनी सब के बारे में। सोनी सब अपने चैनल पर हर वक्त एक फैंटेसी मैजिकल शोज रखता ही है, तो इसलिए अभी सिर्फ एक शो चल रहा है, वो है हीरो गायब मुड़ान। तो दोस्तों उसकी टीआरपी उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितनी आना चाहिए, सिर्फ 0.6 इस हफ्ते का टीआरपी था। लेकिन दोस्तों अब 0.6 है तो ऑफर का खतरा तो होगा ही होगा, और अब ऑफर का खतरा है तो एक और न्यू शो आने के प्रयास में रहेगा। लाने के लिए सोनी सब प्रयास करेगा। उसमें धर्मयुद्ध गरुड़ एक हो सकता था, लेकिन वो शो जो है वो अभी शूटिंग उसकी बंद हो चुकी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से शूटिंग बंद हो चुकी है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उसका पहला प्रोमो जो पहले बार दिखाया गया था वो अभी तक एक बार भी नहीं सब टीवी में दिखाया नहीं जा रहा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि धर्मयुद्ध गरुड़ का जो शूटिंग है वो बंद हो चुका है। तो इन सब में सोनी सब को एक अच्छी खासी टीआरपी देने वाला शो चाहिए होगा, और वो शो और कोई नहीं अलादीन हो सकता है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि बालवीर क्यों नहीं। जब अलादीन एक साल अपना पूरा कर दिया था, बालवीर रिटर्न्स अपना सिर्फ एक महीना एक हफ्ते का ख़त्म हुआ था, तब उसकी टीआरपी 0.9 थी, लेकिन एक साल बाद अलादीन की टीआरपी 1.2 थी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टीआरपी देने वाला मैजिकल शो है हमारा अलादीन सीज़न 4 सबसे ज़्यादा टीआरपी दे सकता है। तो दोस्तों इसलिए अलादीन आ सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।